इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं कि आप एक A4 पेपर पर एक हेल्थ कार्ड से लेकर 10 हेल्थ कार्ड तक जो है सेट कैसे कर सकते हैं एक क्लिक में। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है एक हेल्थ कार्ड सेट करना है A4 पेपर पर, तो आप एक कर सकते हैं, दो करना है तो दो कर सकते हैं, 4, 5, 6, 8, 9, 10 कार्ड तक जो है आप एक A4 पेपर पर सेट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। आपके लिए अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करना है और आप जितने भी कार्ड आपने सिलेक्ट किए हैं वो सारे कार्ड जो है ऑटोमेटिकली A4 पेपर पर सेट होकर आपके सामने आ जाएंगे। तो ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं सारी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में दी है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, यह वीडियो मुझे ही पता नहीं है कि यह वीडियो जो है कितने मिनट का होने वाला है, लेकिन जितना भी होने वाला है आपके लिए यह वीडियो पूरा देखना है। अगर आपके पास समय नहीं है अभी तो आप इस वीडियो को जो है बाद में देख सकते हैं, आप जो है सेव कर रख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप बीच में उलझ जाएंगे, इससे जो है आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरा निवेदन है इसलिए आपसे कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो है 10 हेल्थ कार्ड जो है ऑटोमेटिकली एक A4 पेपर पर सेट होकर आ गए हैं। अब इसी तरह से जैसे कि मैं ये सारे कार्ड जो है क्लोज करके बता रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो फोटोशॉप क्लोज कर दिया है, सारी जानकारी मिलने वाली है आपके लिए इस वीडियो में। आप इस वीडियो को जो है पूरा देखें, ये देख सकते हैं मैंने जो फोटोशॉप ओपन किया। अब यहां से मैं ये 10 हेल्थ कार्ड को जो है सिलेक्ट करता हूं, आप चाहें तो दो भी कर सकते हैं, 4, 5, 6, सारी जानकारी मिलेगी आपके लिए कि आप एक कार्ड, दो कार्ड, ये सारे कार्ड जो या फिर 9 कार्ड, 7 कार्ड कैसे सेट कर सकते हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 10 कार्ड ओपन है। अब यहां पर ये 10 कार्ड ओपन होने के बाद अब यहां पर मान लीजिए अब मैं जो है अपने लैपटॉप में शिफ्ट के साथ जो है F7 प्रेस करता हूं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो है शिफ्ट के साथ F7 प्रेस किया। अब देख सकते हैं मैं जो शिफ्ट और F7 प्रेस करूंगा, शिफ्ट F7, ये देख सकते हैं आप, शिफ्ट F7 प्रेस करते ही मेरे लैपटॉप में जो है हेल्थ कार्ड जो है एक A4 पेपर पर जो है सेट होकर मेरे सामने आ चुके हैं इस तरह से। तो इसी तरह से आपके लिए कैसे करना है इस वीडियो को आप पूरा देखें। अब यहां पर मैं जो है इस फोटोशॉप को क्लोज कर देता हूं, ये देख सकते हैं मैंने जो है फोटोशॉप क्लोज कर दिया है, मैंने फोटोशॉप को क्लोज कर दिया है। अब आपके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो है किस तरह के पेज पर आ जाएंगे, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जब आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपके लिए यह एक्शन फाइल जब तक नहीं खरीदना है जब तक कि आप इस वीडियो को जो है पूरा ना देख लें। यह वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपके लिए इस एक्शन फाइल को खरीदना है। अगर आप इस वीडियो को जो है पूरा नहीं देखेंगे तो आप बीच में उलझ जाएंगे और आप जो है अपने जो कार्ड है वो सेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए निवेदन है कि वीडियो को आप पहले देखें, इसके बाद इस एक्शन फाइल को खरीदें। और इसके बाद यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन और जो नियम एवं शर्तें हैं वो सारी जानकारी आप यहाँ पर जो है पढ़ लें और इसके बाद ही आप जो है इस एक्शन फाइल को लें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपके लिए क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपके लिए अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद आपके लिए यहाँ पर अपना नेम डालना है। और नेम डालने के बाद आपके लिए क्या करना है, पेपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें उस माध्यम से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं यहाँ पर जो है QR कोड से पेमेंट कर रहा हूँ, नेट बैंकिंग या फिर आपके पास जो भी माध्यम उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं जो है UPI QR कोड से पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है ये देख सकते हैं मेरा जो QR कोड है वो जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर ये QR कोड आपके लिए स्कैन करना है। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपके जो मोबाइल या फिर जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपका जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपके लिए जो है पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं मेरी जो है पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, मेरा जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपके सामने ये पेज होगा पेमेंट सक्सेसफुली। अब आपके लिए ना ही बैक होना है और ना ही अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ भी नहीं करना है। अब आपके लिए यहीं पर ऐसे के कैसे ही रहना है, मतलब कि आपके लिए कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है या फिर कुछ भी नहीं करना है। ये जो है थोड़ा टाइम लेगा और ये आपके लिए जो है इस तरह के पेज पर जो है ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा। आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि बैक रिफ्रेश या फिर कुछ भी नहीं करना है, और यहां पर आपके जो है इस पेज पर ये लाकर छोड़ देगा। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन मिलेगा नो प्रीव्यू अवेलेबल। तो यहां पर नीचे आपके लिए ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आपके लिए जो है सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्शन फाइल है वो आपके जो है सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आप जो है यहाँ पर डाउनलोड करके
भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपके लिए जो एक बार डाउनलोड का ऑप्शन, ये डाउनलोड की मैंने, ये देख सकते हैं मेरे पास जो है ये दो एक्शन फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सो इन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो नंबर की है ये, और पहले नंबर की ये वाली है जो कि हमने यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके की थी, तो ये दो वाली बता रहा है। और यहाँ पर मैं आपके लिए ये भी दिखा दूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारी एक एक नंबर वाली, ये वाली, और ये है दो नंबर वाली। अब ये हमारे जो है डेस्कटॉप पर डाउनलोड होते हैं, मैं जो भी कुछ डाउनलोड करता हूँ वो डेस्कटॉप पर पहुँचते हैं, तो मैं इसे जो है यहाँ से आप क्लोज कर दूँ। अब आपके लिए इस पेमेंट पे इसको भले ही क्लोज कर दें, लेकिन आपके लिए पेमेंट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आप जो है इस गूगल ड्राइव के पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है एक और ये दो नंबर की ये जो एक्शन फाइल है ये आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख सकते हैं ये वन नंबर की है और ये देख सकते हैं आप टू नंबर की है, दोनों देख सकते हैं आप साइज दोनों का सेम है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है कि अपने फोटोशॉप को ओपन करना है, जैसे कि मैंने अब जो है मेरे फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अब मेरे फोटोशॉप में ये आप देख सकते हैं हेल्थ कार्ड वीम रेटर्स ये जो है पहले से सेव है, तो मैं इसे जो है डिलीट करता हूँ पहले नंबर को, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक किया और मैंने इसे डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं आप ई पेक और वैक्सीन आईडी कार्ड, ई पैन कार्ड है ना, और ये जो है ये मेरे ई श्रम की है, यही है अभी इसमें फिलहाल में। तो अब मैं यहाँ से लोड पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं लोड एक्शन पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास जो है हम पहले नंबर आप किसी भी देखिए, मैंने एक बार डाउनलोड किया है, दो बार डाउनलोड किया है, तो ये मेरे पास दो एक्शन फाइल डाउनलोड हुई है, दोनों फाइल सेम है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है एक ही अपलोड करना है, जैसे कि मैंने इसे जो है सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर जो है बार बार एक्शन फाइल अपलोड ना करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है ये एक्शन जो है लोड कर दिया है। अब यहाँ से आप जो ये फाइल का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके आप ओपन पर क्लिक कर भी आप जो है अपने जो हेल्थ कार्ड है ओपन कर सकते हैं। मैं फिलहाल जो है यही हेल्थ कार्ड सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी जो है 10 हेल्थ कार्ड सेलेक्ट किए हैं। और अब मैं आपके लिए यही बताने वाला हूँ कि आप एक कार्ड, दो कार्ड, पाँच कार्ड ये भी सेट कैसे कर सकते हैं। अब मैं जो है मेरे सिस्टम में शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो कार्ड हैं वो सेट हो चुके हैं एक A4 पेपर पर। अब बहुत से लोगों के साथ ये समस्या भी आ सकती है कि उनका जो सिस्टम है वो शिफ्ट F7 के साथ काम ना करें, शिफ्ट F7 के साथ काम ना करें, तो उन्हें क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है हमारा नाम, ये हमारा एक्शन फाइल का नाम है हेल्थ आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड VMBKTIPS, और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एरो बना है और ये ऑप्शन है हमारे पास हेल्थ आईडी कार्ड ये लिखा है, तो यहाँ पर आपके सामने इस एरो पर क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है इस तरह का ये जो पेज ओपन होगा, ये मतलब इस तरह से आप जो है नीचे आपके लिए जानकारी ओपन होगी, तो ये आप ओपन करें या ना करें इस एरो पर क्लिक करके। यहाँ पर ये नाम लिखा है, यहाँ पर आपके लिए जो है डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी जो शॉर्टकट की है वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो है शिफ्ट F7 सेट की है, आप अपने हिसाब से इसे जो है सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो जैसे कि मान लीजिए अब आप जो है इसे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से जो है जो भी लगाना चाहें वो चेंज कीजिए, और शिफ्ट या फिर कंट्रोल के साथ आप जो है सेट कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद एक ऑप्शन और है हमारे पास, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है मान लीजिए, अब मैं यहाँ पर आपके लिए दो बात बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमें जो दो कार्ड ही सेट करना है, तो मैं केवल यहाँ से दो कार्ड लाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे जो है फोटोशॉप में ओपन किए मैंने। अब मैंने जो है दो कार्ड ही ओपन किए हैं। अब मान लीजिए आप जो है शॉर्टकट की से काम नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास ये हेल्थ आईडी कार्ड लिखा है, इस पर आप क्लिक करना है, और यहाँ पर इस एक्शन के जो फॉर्मेट है इसमें आपके जो नीचे एक ये बटन मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर प्ले की, जब आप प्ले पर क्लिक करेंगे तब भी आपकी जो एक्शन फाइल है वो काम करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है दो कार्ड सेट हो चुके हैं। अब हमने केवल दो ही कार्ड सिलेक्ट किए थे, तो ये दो कार्ड हमारे पास सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जो है स्टॉप पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो एक्शन फाइल है वो मतलब प्ले बंद हो जाएगी और आपके जो कार्ड हैं वो सेट हो जाएंगे, ये इस तरह से ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से आप मान लीजिए चार कार्ड आपके लिए करना है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो चार कार्ड, पाँच कार्ड, जितने भी आपके लिए करना है उतने ओपन करना है आपके लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए जो है पाँच कार्ड दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं मैं ये पाँच कार्ड मैंने सिलेक्ट किए, यहाँ पर मैंने ओपन किए। अब मैं जो है शिफ्ट F7 प्रेस करता हूँ, शिफ्ट F7 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है पांच कार्ड ये सेट होकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप इसे स्टॉप पर क्लिक कर देना है। अब आप इसे जो है प्रिंट कर सकते हैं।
प्रिंट करते समय आपके लिए कौन कौन सी बात ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आप, मैं आपके लिए बता दूं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं जो है 10 कार्ड ही ओपन करता हूँ आपके लिए प्रिंट के लिए। जैसे कि मैंने ये 10 कार्ड जो है सिलेक्ट किए और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो है इन्हें ओपन किए फोटोशॉप में। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट F7 प्रेस करता हूँ। अब प्रिंट करते समय आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए ध्यान देना है। अगर इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया तो इससे जो है आपको बहुत नुकसान होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको जो है नुकसान हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो कार्ड हैं वो सेट हो रहे हैं, ये देख सकते हैं हमारे जो कार्ड हैं वो सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, कंट्रोल पी क्लिक करना है। जैसे ही आप कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो कार्ड हैं वो कट रहे हैं, ये देख सकते हैं ऊपर से भी कट रहे हैं और नीचे से भी कट रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन मिलता है स्केल टू फिट मीडिया, इसको आपके लिए जो है चेकबॉक्स लगा देना है, इसको आपके लिए जो है टिक रहने देना है। इसके बाद ही आप प्रिंट करेंगे तभी आपके जो है पूरे कार्ड प्रिंट होंगे। अगर आप इस ऑप्शन में जो है टिक नहीं लगाएंगे तो आपके जो कार्ड हैं वो जो है कटे आएंगे। और इसके बाद आप, मैं जो है आपके लिए जो है प्रिंट क्वालिटी भी इसकी दिखा देता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है प्रिंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है ग्लॉसी पेपर पर प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जो है उसे फोटो पेपर को सिलेक्ट करूँगा। आप जो भी पेपर लगा रहे हैं वो पेपर आप जो है सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर मैं जो है प्रिंट पर क्लिक करता हूँ और आपके लिए जो है क्वालिटी दिखाता हूँ। अब आपके लिए जो है वीडियो पूरी समझ में आ चुकी होगी, अब आप एक्शन फाइल को खरीद सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप जो है एक्शन फाइल को नहीं खरीदें। ये देख सकते हैं हमारे जो है प्रिंटर ने पेज ले लिया है, ये देख सकते हैं आप हमारा जो है प्रिंटर जो है अभी प्रिंट कर रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा जो है पेज प्रिंट हो रहा है। ये मैं आपके लिए जो है डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक ही कार्ड सिलेक्ट किया था, मतलब एक ही कार्ड की जो है, एक ही कार्ड मैंने जो है 10 कार्ड एक के ही मैंने 10 कार्ड डाउनलोड किए थे, उन्हीं कार्ड को मैं प्रिंट कर दिखा रहा हूँ और उसकी आपके लिए जो है क्वालिटी दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। अगर आपके लिए एक्शन फाइल यूज़ करने में, या फिर आपके लिए एक्शन फाइल, देखिए मैंने आपके लिए बता दिया कि आपके लिए जो है रिडायरेक्ट होना है गूगल ड्राइव पर, तो उसके लिए आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है पेज आ रहा है धीरे धीरे, मैं इसे जो है पूरा प्रिंट होने देता हूँ, इसके बाद ही आपके लिए जो इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ दो कार्ड और बचे हैं हमारे जो है प्रिंट होने के लिए। यहाँ पर आपके लिए जो है बहुत से लोग, मैंने जो वैक्सीन कार्ड की बनाई थी उसमें बहुत से लोग बोल रहे थे कि क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें जो है क्यूआर कोड भी स्कैन हो रहा है, ये आपके लिए जो है मैं इसमें भी हो रहा है और क्यूआर कोड स्कैन। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि हमारा जो है क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें जो है क्यूआर कोड भी स्कैन हो रहा है। आप चेक करें, आपने एक्शन फाइल अगर खरीदी है वैक्सीन आईडी कार्ड को सर्टिफिकेट बनाने वैक्सीन सर्टिफिकेट को आईडी कार्ड बनाने के लिए अगर आपने एक्शन फाइल खरीदी है तो आप उसका क्यूआर कोड चेक करें, उसमें जो है स्कैन हो रहा है। जो आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर सर्टिफिकेट स्कैन करेंगे वैसा ही आपके लिए जो है आईडी कार्ड में भी वही सेम टू सेम जानकारी देखने को मिलेगी। अब हमारा जो है हेल्थ कार्ड जो है प्रिंट हो चुका है, देख सकते हैं आप थोड़ा सा और बचा है। अभी मैं आपके लिए इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है जानकारी दी है, तो ये मैं हाइड करके दिखाऊँगा आपके लिए। ये देख सकते हैं हमारे जो है कार्ड प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं आपके लिए जो है सिर्फ एक कार्ड यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपके लिए जो है एक कार्ड दिखा रहा हूँ, तो इसमें जो है कुछ जानकारी मैं जो है यहाँ पर छिपा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्ड में, आप ये लाइट आ रही है थोड़ी, इतनी जानकारी मैं हाइड कर देता हूँ और आप देख सकते हैं आप ये लाइट आ रही है, ये देख सकते हैं आप फोटो है, और यहाँ पर ये नाम और ये क्यूआर कोड, बिल्कुल ही आपके लिए जो है इसमें पूरी जानकारी जो है बिल्कुल ही क्लियरली देखने को मिलती है इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, ये लाइट आ रही है इसमें थोड़ी, मैं यहाँ पर आप क्लिक कर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। आपका जैसा भी कार्ड है वैसा आपके लिए जो है सेम टू सेम दिखेगा, ये देख सकते हैं आप, इसमें आपके लिए जो क्वालिटी में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा।